Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, NBCN के टॉप 20 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने सीएम सोरेन से इस मामले में पूछताछ की। पंजाब बीजेपी के नेता, दो बार के पूर्व विधायक एवं पंजाब बीजेपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरविंद खन्ना को ईडी ने समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 30 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। लालू यादव से आज पटना में ईडी जोनल दफ्तर में पूछताछ होगी। जमीन के बदले में नौकरी घोटाले में पूछताछ की जाएगी। लालू यादव पूछताछ के लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट कर कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और मराठा समुदाय के आरक्षण के संबंध में दी गई आशा से सहमत नहीं हूँ। इससे मराठा समुदाय की ऐतिहासिक परंपराएं और अन्य पिछड़े समुदाय पर अतिक्रमण से असंतोष पैदा हो सकता है। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की लोकसभा क्षेत्र की बैठकों का दूसरा दौर आज से शुरू होगा। अमृतसर लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक वह करेंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्द पड़ रही है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही है। परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज द्वारा आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बुजुर्गों की सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विविधता अस्तित्व की सजावट है और विविधता झगड़े का मुद्दा नहीं होनी चाहिए। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। शेयर बाजार की शानदार शुरुआत हुई है। बजट वीक या बजट सप्ताह को तेजी से बाजार का सपोर्ट मिल रहा है और अडानी इंटरप्राइजेस में शानदार तेजी दिखाई दे रही है। बैंक में निफ्टी चढ़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बिहार पहुंच गए हैं। उनकी न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज जिले में पहुंची है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। राहुल की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से होते हुए बिहार पहुंची है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि CAA एक हफ्ते के अंदर देश में लागू कर दिया जाएगा। यह बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के काकद्वीप में हुए कार्यक्रमों के दौरान कही। बिहार में सियासी भूचाल लाने के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सरकार के गठन के साथ मंत्रिपरिषद में शपथ लेने वाले मंत्रियों में जातीय अंकगणित को ध्यान में रखा गया है। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कैप्टन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया है। यह हमारे लिए बहुत दुखद बात है। हमें सोचने की जरूरत है कि यह स्थिति क्यों आई। कर्नाटक में मांड्या जिले के कोरागोडु गांव में हनुमान ध्वज उतारने के बाद तनाव की स्थिति कायम है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल सेकुलर और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। अधिकारियों ने रविवार को 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया था। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। अभी वो राज्यसभा के सदस्य है और अभी भी राज्यसभा के कार्यकाल में 2 से अधिक साल का समय बाकी है। दिग्विजय सिंह ने 2019 में भोपाल की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3.65 लाख वोट से हरा दिया था। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का भी बड़ा बयान सामने आया है। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह हमारे लिए स्पष्ट रूप से निराशाजनक है, क्योंकि वे भारत के एक कद्दावर नेता है, लेकिन यह एक लोकतंत्र है और यह हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित आयुध निर्माणी भंडारा परिसर में एक विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई। यह फैक्ट्री भंडारा शहर के बाहरी इलाके जवाहर नगर में स्थित है। भारतीय क्रिकेट टीम और उसके फैंस को हैदराबाद में निराशा हाथ लगी। रविवार 28 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन उसे 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को रविवार को रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 के विनर अनाउंस किए गए। शो के होस्ट और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने 32 साल के फारूकी को विजेता घोषित किया है। 250 करोड़ रुपए में बनी फाइटर को दर्शकों के अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म ने अच्छे आंकड़ों के साथ खाता खोला और अब बढ़िया बिजनेस भी दे रही है, जहाँ वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।
59वें फिल्म फेयर अवार्ड में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में शाहरुख खान का भी नाम शामिल था, लेकिन ये पुरस्कार रणबीर ने जीता। वहीं सपोर्टिंग एक्टर के लिए विक्की कौशल के नाम को चुना गया। फिल्म डंकी के लिए विक्की को यह अवार्ड मिला है। ऐसी टॉप 20 खबरों के लिए देखते रहे NBC न्यूज़।